नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट शेयर करें, फीडबैक शेयर करें, क्योंकि तभी मुझे हेल्प होगा मेरे वीडियोज़ को अपग्रेड करने में। इसलिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों आइए आज बनाते हैं कुछ चटपटा, कच्चे आम के कुचे वाली अचार, जिसके लिए मैंने लिया है 700 से 800 ग्राम रॉ मैंगो, रेड चिली पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मंगरेला अजवाइन, तेल, ये ऑप्शनल है। हम आपको लेंगे और उसके छिलके को हमें निकालना है, तो हम नाइफ़ के हेल्प से या फिर हमारे पास कोई पीलर हो तो उसके हेल्प से निकाल लेंगे उसके छिलके को, और सेफली करेंगे अपनी उंगलियों का ध्यान रखते हुए। और ये देखिए यहाँ पे सारा आम मैंने छील लिया है। कंटेनर लेंगे एक, और उसमें मैंगोज़ को हमें ग्रेट करना है, तो हम बड़े होल वाले से ग्रेट करेंगे, हमें बहुत बारीक नहीं चाहिए। और इसे भी हम सेफली करेंगे अपने हाथों का ख्याल रखते हुए। और ये देखिए इस तरीके से ये आएगा। ये आम की गुठलियाँ हैं तो इसे हम फेंक देंगे, और बाकी के सारे मैंगोज को भी हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे आम को कस कर लिया है, तो अब हमें करना ये है कि हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम सारे मैंगोज को ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम यहाँ ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और ऐड करेंगे थोड़ा सा मंगरेला अजवाइन, ये फ्लेवर को बढ़ाता है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का, ये ऑप्शनल है, आप अपने पसंद की तेल को यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं यहाँ पे गार्लिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे हम ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो खाने के पहले हम गार्लिक यूज़ कर सकते हैं इसमें मिक्स करके। और फिर हम इसे मिक्स करने के बाद धूप में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे, ये अच्छे से पक भी जाएगा और सनलाइट लगने पे इसका वाटर भी वेपोराइज हो जाएगा। और ये रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व करेंगे राइस, रोटी, दाल, सब्जी के साथ।